हमारे साथ कांग्रेस एमपी हनुमंत राव हैं। मजहबी तब्दीली को लेकर के मुसलसल राज्यसभा में रुकावट डाली जा रही है अपोजिशन के जरिए, आखिर कब तक ऐसा किया जाता रहेगा? देखो अपोजिशन, हम देश के हित में बात कर रहे हैं, सेकुलर सिद्धांतों के वास्ते बात कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन का करने का काम जो लोगों को लालच दे के, पैसे दे के, हाउस साइड दे के, ये जो मिलाने का काम, इसका हम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए सदन में, बोले ये गलत काम हो रहा, बोल के अपने एमपीओं को बोलूँ, एमपी यहाँ सुन रहे, फिर वहाँ जाके बाहर पुरखों की घर की वापसी बोलने का जो स्लोगन है उसका हम खिलाफ है। सर, आगरा में जो कार्यकर्ता था आरएसएस का, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अलीगढ़ का जो प्रोग्राम था वो मुलतवी कर दिया गया है, उसके बावजूद अब फिर क्या दिक्कत? वो तो कल किसी एक को पकड़ने से होता है क्या? सरकार का क्या नीति, वो तो पहले आना ना। किसी को अरेस्ट करे, वहाँ का सरकार है, वहाँ का गवर्नमेंट एक्शन देती, वो तो तुम्हारा क्या व्यू है? ये जमहूरियत हुकूमत है या नहीं तो ये कौन सा हिंदू देश का बनाने का काम है? ये हम इसके ऊपर खिलाफ है। अगर सरकार आके, नरेंद्र मोदी आके अगर बोलेंगे ये बराबर भाई, हम सेकुलर सिद्धांतों को कहीं भी दाग नहीं लगने देंगे, ये अगर बोले तो खत्म है। शुक्रिया। तो जमहूरियत को लेकर ये आवाज है कांग्रेस की। कांग्रेस का साफ कहना है कि जब तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसका जवाब पार्लियामेंट में नहीं देंगे और आवाम को यकीन दहानी नहीं कराएंगे, तमाम मेंबराने पार्लियामेंट को यकीन दहानी नहीं कराएंगे सेकुलर जो सोच है, सेकुलर जो फिक्र है, सेकुलर आइन को लेकर के, तब तक ये जो जिस तरीके से रुकावट डाली जा रही है अपोजिशन के जरिया, वो उसी तरह से जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मुंसिफ टीवी दिल्ली।